अम्मा, अम्मा मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ तो हुरिया की शादी पे मेरे कॉलिग शावेज आए थे, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। मुझसे क्यों मिलना चाह रहे हैं? एक्चुअली वो मुझे पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, इसी सिलसिले में आपसे मिलना चाह रहे हैं। एनी बेटा, वो लड़का मुझे तुमसे उम्र में छोटा लग रहा है। जी अम्मा, लेकिन उनको हमारे एज डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी फर्क नहीं पड़ता, बाद में फर्क पड़ेगा। असल में अम्मा, शवेज ने मुझे प्रपोज किया, जिसके मैंने आपको बताया वो मुझे पसंद करते हैं, तो मैंने उनको यही कहा कि आप मेरी वालदा से बात करें, मुझसे बात करना मुनासिब नहीं है। बेटा, मुझे तुम पर बहुत मान है कि तुम कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगी। ना तो मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत की है और ना ही मैं कोई ऐसी वैसी हरकत करूंगी जिससे आपके मान को ठेस पहुंचे। बस आपसे मिलना चाह रहे हैं, आप तसल्ली से उनकी बात सुन लीजिएगा प्लीज। ठीक है, चांदनी, ये चावल ले जाओ। शावेज, अब ये जिद छोड़ दो। तुम बेवकूफी को मोहब्बत का नाम तो ना दो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे अब्बू भी परेशान है। अम्मी, आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कुरतुलैन को धोखा नहीं दे सकता। अब बात मेरी इज्जत की भी है। देखो, उसे उसके जोड़ का कोई मिल जाएगा, उसकी अपनी उम्र का। तुम अब उसकी फिक्र छोड़ो, हमारी फिक्र करो। मैं तो अपनी हिना को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश रखती। और कुरतुलैन से शादी करना मेरी ख्वाहिश है अम्मी। समझ में नहीं आता ये अपने से बड़ी उम्र की औरत से तुम्हें कैसे मोहब्बत हो गई। अम्मी, मोहब्बत बता के नहीं की जाती, बस हो जाती है। मैंने फैसला कर लिया है कि आप कुछ भी कहें, मैं शादी सिर्फ और सिर्फ कुरतुलैन से ही करूंगा। कितना मजा आया। आओ आओ, हो आए बाहर से, खूब इंजॉय भी किया होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो तुम दोनों, ये घूमना फिरना बहुत हो गया, और तुम जरा घरदारी पे तवज्जो दो। एक काम करते हैं, कल तुम्हारी मीठा पकाने की रस्म कर लेते हैं। कोई अच्छी सी मीठी डिश बना लेना, उसके बाद तुम जानो और ये बावर्ची खाना जाने। मेरी तो घर के कामों से रिटायरमेंट हो जाएगी। अम्मी, मैं किचन कैसे फरो? मेरी हमेशा से बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे घर में काम वाली हो। अम्मी, आप एक काम वाली क्यों नहीं रख लेती? मैं क्यों रखने लगी काम वाली? हमने तो सारी जिंदगी कोई नौकर नहीं रखा, और वैसे ये तीन लोगों का काम ही कितना होता है। अरे हाँ, हम तुम्हारे जैसे हड हराम जो नहीं थे।